देखिए, मैंने ना प्योर मड का जो टेक्सचर यहाँ पे बिखरा हुआ था ना सारा, मैंने इसको क्लीन किया, यहाँ से सारी डर्ट निकाल के इस टब में डाली है। मैंने कहा थोड़ी सी मैसी पन हुआ हुआ है, थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। और जो मैंने ग्रे डर्ट की कटिंग की थी वो मैंने इधर रखी है। अब मेरा ना जो दिल चाह रहा है एक और टेक्सचर क्रम्बल करने को, और वो है सॉफ्ट डर्ट वाला। उसके लिए मुझे कोई टब नहीं, मैं ना यकीन करें इस टाइम इतनी चवल बनी हुई हूँ ना कि मैं चाह रही हूँ कि मैंने न्यू टब में ही 7 के सेलिब्रेशन की वीडियोज़ डालनी है। इसके अलावा किसी टेक्सचर की इसके अलावा कोई वीडियो नहीं उस पर डालनी। मैं चाहती हूँ कि न्यू टब में हमेशा की तरह मेरी वीडियो आए, और फर्स्ट टाइम ही वो उसमें वीडियो क्रम्बल जो भी टेक्सचर करूँ कोई और वीडियो उसमें ना पहले आए। तो जस्ट इसी वजह से मैं कंजूसी कर रही हूँ, जो मेरे टब्स हैं उनमें मैं नई वीडियो बना नहीं पा रही। मैं आपको कलर बता देती हूँ, जो मेरे 3 कलर हैं वही कलर है जो पहले से मौजूद है। लेकिन एक मेरा सी ग्रीन कलर का टब है, फ्रेश सी ग्रीन कलर है, बहुत प्यारा था लगा मुझे। एक मेरा टी पिंक, ये जैसे बेबी कलर होता है ना, टी पिंक कलर, बेबी पिंक कलर वो है। और एक मेरा है वाइट टब, मैं एक और वाइट टब लेकर आई थी, मुझे था कि ये वाला मेरा टब थोड़ा सा पतले वाला, तो ये मे भी थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा ही मुश्किल से थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ता है। और एक मेरा टब जो मैं नया वाला लाई हूँ, अच्छा वाला प्लास्टिक है, वो मजबूत है, ठीक है। तो अब मैं ना सोच रही हूँ ब्लैक डर्ट को थोड़ा एक जगह शिफ्ट करती, मेरे टेक्सचर को डिस्टर्ब कर रहा है ये मुल्तानी मिट्टी वाले को, तो मैं इसको सेट वगैरह कर दूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा तो ना मेरा माइक मड़ा बन जी। अच्छा तो ना मैं कह रही थी कि ये जो ना मुल्तानी मिट्टी वाला टेक्सचर मेरा, ये जो इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इसको इधर मेरे जगह बनाई, यहाँ ब्लैक डर्ट पड़ी हुई थी, मैं इसको उठा के उधर रखी हूँ। बादल बनना शुरू हो गए और साथ में ना नेबर्स चढ़ गए, इससे मेरे ख्याल से मैं नहीं दूसरी वीडियो बना पाऊँगी। तो मैं ये निकाल लूँ टेक्सचर, और ये देखिए, नहीं बहन मैं इस बचा लूँगी इंशाल्लाह, ये देखे मुक्के, तेरा मेरे से मुक्के खाने को दिल कर रहा है, तेरा मेरे से मुक्के खाने को दिल कर अच्छा ये देखे जरा, समोसा पार्टी, चाट पार्टी, अच्छा ये। और मैं आपको दिखाऊंगी एक दफ़ा, एक पीस क्रम्बल करके दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट है ना, ये देखिए मैं जस्ट एक शेप आपको क्रम्बल करके दिखाती हूँ, ये भी डैम का बहरहाल। ये देखिए मैंने ना सोचा कि इधर ये ब्लॉग एंड करती हूँ, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, बात तो मिलती हूँ बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इसको इधर ही एंड कर रही हूँ। व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, और अब मैं आपको सूरत हाल दिखाती हूँ। मैंने सारा कुछ कवर इमीडिएटली कहते हैं, बादल आ गए काले, देखिए बारिश का सीन बन गया है, अल्लाह करे बारिश हो, और तो रहमत वाली हूँ मतलब हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह से कि रहमत वाली बारिश हो, नुकसान ना हो, जैसे कि आजकल हर जगह सैलाब आया हुआ है। और यकीन करें मेरा दिल देख के इतना तकलीफ में मुझे हो रहा था दुख कि अल्लाह पाक जो जो जहाँ जहाँ ये परेशानी और ये सैलाब का सारा जो ख़राब हुआ है, सारा मसलन जो भी शहर मुतासर हुए हैं इस वजह से, अल्लाह उनको इस मुश्किल से निकाले। मैं उस दिन दिल्ली में देख रही थी कि इंडिया का जो एक सिटी है दिल्ली, आई थिंक यही सही है ना, दिल्ली दिल्ली बहुत सारे वहाँ के जो विलेजेस हैं और वहाँ के जो देहाती एरियाज, जो मैं इंग्लिश भी बोल दी उर्दू भी बोल दी, तो वहाँ पे पानी जो था घरों में इतना ज़्यादा यानी कि लेवल पे हो गया हुआ था, उनके घर डूब गए थे, वो अपने घरों के अंदर से चीज़ें निकाल देते पानी के अंदर से, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यानी फ्रिज वगैरह सारा कुछ, तो पानी में वो लेके जा रहे थे। तो मुझे देख कर इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक इतनी मुश्किल में बेचारे आए हैं सब, इनको इस मुश्किल से निकालो। और बुज़ुर्ग लोग, बच्चे वगैरह, इतना पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो
पाकिस्तान की, जैसे हमारे सिंध में पिछली बार जो भी हमारे शहर है वहाँ पे इतना सैलाब हो, तो सेम उसी तरह उनकी भी वहाँ पे सिचुएशन है। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जहाँ जहाँ लोग इस मुश्किल का शिकार हुए, इस परेशानी का क्या कहते हैं सामना कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इस परेशानी से निकाले। ये मगरिब का टाइम है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जी सबको इस परेशानी से निकाले और अल्लाह पाक सबको सुकून नसीब अता फरमाए, जो जो जहाँ जहाँ परेशान है इस वक्त सैलाब या ये जो मानसून के बाद जो पानी का जो बहाव इतना ज़्यादा हो गया हुआ है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक भी दुआ कबूल करे, आप सब दुआ करें, क्योंकि हम सब इंसानियत के नाते इंसानियत जो होती है ना वो सबसे पहले होनी चाहिए। आप किसी से आपका कोई ताल्लुक है या ना हो, लेकिन दर्द सबके लिए रखना चाहिए, क्योंकि इसी से इंसान अपनी पहचान करवाता है कि आपके अंदर इंसानियत कितनी है, आपके अंदर लोगों के लिए मोहब्बत कितनी है। तो इस पाक टाइम के सदके अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको मुश्किलों से निकाले और जो जो अपने घरों को अपने सामने आंखों में डूबता हुआ देख रहे हैं उनको अल्लाह पाक उनके घर की सूरत दे। इसी दुआ के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैंने ना अभी ये प्योर मर्ड की वीडियो बनाई थी, अल्लाह मैं जानती हूँ मैंने कैसी वीडियो बनाई, इतनी बार पॉज करना पड़ा वीडियो को, मतलब शोर आ रहा था, बार बार बच्चे बोल रहे थे। मैंने भी मना भी किया कि जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ ना आप खेल बाद में खेल लेना, अभी थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। तो थोड़ी देर के लिए चुप हुए, फिर बीच में वो एक छोटा बच्चा है जिनका उम्र वो खेल रहा था, उसको हम मना भी करें ना वो मना नहीं होता, क्योंकि उसको भी वो छोटा है बहुत, तो उसको भी इतनी समझ है। खैर फिलहाल वीडियो बन गई है और मैं ना प्योर मेड की शिफ्टिंग की थी, पूरा टब भर के सबसे पहले वीडियो बनाई है। और मैंने कहा कि ना बाकी टेक्सचर भी बचा हुआ था, टब फुल हो गया था, मैं कह रही थी कि ये ना बाहर आ जाए बच्चे और मिक्सिंग भी ना सही से हो, तो मैंने फिर ना वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो ये मैं व्लॉग में कर लूँगी थोड़ी, ताकि मैसी भी हो तो काम व्लॉग में ही होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टिंग में मेरे साथ जो ब्लेंडर हुआ है ना, मैंने भी चंक्स पकड़ के अंदर थंबनेल लेट थी, वो इतना सॉफ्ट था ना वो स्लैब्स अंदर गिर गई, और सारा मेरा ध्यान आस हो गया। मैंने मज़े से उसको क्रम्बल करना था, लेकिन वो सारा वो हो गया तो पानी में डूब करके सॉफ्ट। ये देखें इसमें जो जहान का जो धागे पता नहीं क्या क्या चला गया हुआ है, मैं थोड़ी और डर्ट निकालती हूँ। थोड़ी दूर जितनी दिया मैंने कहा कि मैं एक खुली टब में मिक्स करने के बाद ना आधा टेक्सचर उसका मैं निकाल लूँगी, आधा इसी में रहने दूँगी, ताकि टेक्सचर जो है ना वो बराबरी से हो जाए। इतना बड़ा टेक्स्ट मैं तो पूरा टब ही कैमरे के आगे कर दिया, काफ़ी टाइम बाद मैंने प्योर मर्ड की न्यू वीडियो को बनाई है वाटर टम्बलिंग में, यानी एक महीने पहले बनाई थी, शायद मैंने एक महीने शायद पहले बनाई थी, है ना। मैंने सोचा कि मैं दिल चाहते मैं इसकी वाटर टम्बलिंग करूँ, और जब दिल कर रहा हो ना तो आप मौसम नहीं देखते, बारिश वाला भी फुल रेनी वेदर हुआ था, काले बादल आए थे। ये सिस्टर तो बेस्ट है, ये बहुत अच्छे से सिफ्ट करता है टेक्सचर को, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो भी गंद वगैरह होता है ना निकल जाता है। मैं इस तरह के ना दो ओढ़ ले आऊँगी, ये मुझे नर्वस सा लग रहा है ये टूट ना जाए, इसलिए ना मैं इस तरह का दो ओढ़ ले आऊँगी। एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए आपके पास, फिर आप मुश्किल में नहीं पड़ते हो, सही है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ जरूर रखूँ, जिससे
मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सही हो गया, ये देखो कितना कचरा निकला इसमें से। जो डर्ट है वो भी निकल जाएगी। चलो देखिए क्या सॉफ्ट टेक्सचर है, और इसको हमने डुबो देना। सही है, अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। मेरे वीडियो में भी बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई है, लेकिन इसमें भी मैंने कहा व्लॉग में थोड़ा सा कल के व्लॉग का हाफ पार्ट मैंने नहीं अपलोड किया, क्योंकि 20 मिनट का व्लॉग बन रहा था और मैंने कहा इसको अपलोड होने में टाइम लग जाएगा। मैंने कोई आज बहुत लेट अपलोडिंग लगाई थी उसकी व्लॉग की, असर टाइम मैं उसको एडिट किया, असर टाइम नहीं असर टाइम होने में भी थोड़ा टाइम था, 4:45 पर मैंने व्लॉग एडिट करना शुरू किया, और मैंने फिर 13 मिनट तक का एडिट करके ना बाकी का मैंने रहने दिया। मैंने कहा 20 मिनट का नहीं अपलोड करना है, वो फिर ना एक्सपोर्ट होने में वीडियो को बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ये बच्चे बहुत गंदी चीज़ें मारते हैं ऐसे, जैसे क्या हो गया ना हर रोज़ ये कोई ना कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है, बंदा डर जाता क्या हो गया। अच्छा तो ना मैंने फिर इसमें भी आपको बताया, मैंने न्यू टब में अपने वाइट टब में ना प्योर मट की वीडियो बनाई है। मैंने कहा मेरा स्पेशल टेक्सचर है तो मैं इसको न्यू में बनाती हूँ इसकी वीडियो, चाहे वो दो बाकी टैब है ना उनमें मेरी एक में मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर की वीडियो आएगी और एक में प्योर सीमेंट की इंशाल्लाह कल आएगी। मुझे प्योर सीमेंट की ड्राई क्रमलिंग की बहुत रिक्वेस्ट कर रही है एक सब्सक्राइबर, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, क्या नाम था उनका, सीमेंट, सॉरी मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इनका नाम, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है। तो ना मैं ना उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ना प्योर सीमेंट की ड्राई क्रमलिंग करें, तो मैं इंशाल्लाह कल उसमें न्यू वीडियो मेरी जो आनी है ना 7 के सेलिब्रेशन में हाय इंशाल्लाह ताला उसमें ना मेरी प्योर सीमेंट की वीडियो आनी है आप सबके लिए। आप इसलिए मैं ना प्योर सीमेंट रेडी नहीं कर, जैसे आपको पता रेनी वेदर है, बरसात का मौसम है, धूप नहीं इतनी सही से निकल रही है, तो टेक्सचर में अगर पानी चले गया ना तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जानी है, वेस्ट हो जानी है। तो मैं ना फिर उसको नई वीडियो को बना रही है अभी रेडी कर रही है, लेकिन चला कला करनी ज़रूरी है। जैसे मौसम ड्राई होना शुरू होगा मैं प्योर सीमेंट की ना शेप्स बना के रख दूँगी, और प्योर सीमेंट की मेरे हाथ से मेरे चैनल पर दूसरी बार वीडियो आएगी फ्रेश वाले की। मैंने अपने चैनल पे एक बार ही प्योर सीमेंट की यूज़ किया हुआ, तो इस बार दूसरी बार आएगी इंशाल्लाह। डर्ट की मिक्सिंग बहुत हैवी होती है, कुछ टब भी फुल टेक्सचर का भरा हुआ है, तो मेरे तो शोल्डर्स की बैंड बज गई है। कम से कम 20-30 मिनट की वीडियो बनी है एक टेक्सचर की, ये देखें। और मैं इसको ना एंड तक मिक्स करती हूँ, मैं ऊपर ऊपर से नहीं टेक्सचर ये डर्ट वाली मिक्स करती, मैं एंड तक मिक्स करती हूँ ताकि टेक्सचर इक्वली मिक्स हो, कहीं से कुछ क्रम्बल वो ना हो, इसमें कोई गुटली ना रह जाएगी, टेक्सचर जम जाता है जगह पे कहीं पे सही से नहीं मिक्स हुआ था। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि ये एकदम स्मूथ और क्रीमी इसका जो भी ना टेक्सचर हो, कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो होती है एकदम स्मूथ। सही है, देखें देखें कितना मज़े का टेक्सचर है। और मैं इसके दो पार्ट अपलोड कर दूँगी, एक में मेरी क्रम्बलिंग आएगी और दूसरी में मेरी वाटर क्रम्बलिंग ऑन द पेस्ट और पोरिंग जो सिफ्टिंग की है ना वो आ जाएगा पार्ट। तो दो मिनट की वीडियो आएंगी इंशाल्लाह ताला। आई होप आपको अच्छा लगेगा इसको इस न्यू टैब में देखकर मेरी वीडियो, आप लोगों ने बताना ज़रूर है। तो बस मुझे अपने काम के अंदर, बेशक मेरे व्लॉग चैनल पर पहले की तरह व्यूज़ नहीं आते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, मैं कहती हूँ कि मेरा काम जो भी थोड़ा बहुत जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं अभी तक
उनको मेरे चैनल के व्लॉग्स देखना पसंद है उनके लिए मैं डाल देती हूँ ताकि वो लोग अपडेट रहे, वो लोग उनको पता रहे बाकी व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं मेरे ब्लॉग पे, मुझे इस चीज़ से नहीं है। बस मेरा काम आप लोगों को होता रहे अपडेट कि भाई ये चल रहा है आज का डेट, ये करनी वगैरह वगैरह, कोई भी नई चीज़ करती हूँ कुछ भी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, या कर जो भी आइडियाज़ हैं इंशाल्लाह वो भी जो भी आएंगे आगे आगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपसे शेयर करूँ। लेकिन जस्ट आप लोगों की प्यार मोहब्बत जो है मेरे व्लॉग्स को जो पसंद करते हैं उनके लिए मैं जब टाइम निकाल के अपने व्लॉग्स पे सारा जो भी मेरा होता है अटेंशन वो देती हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही मेरे जो मेरे चैनल्स को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आज हूँ, इस जो भी मेरा नाम है, मेरे काम के जो भी पहचान है, आप सबकी प्यार मोहब्बत से ही है। तो बस इसी तरह मुझे आप लोग अपना प्यार देते रहें और मेरे काम को पसंद करते रहें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसी भी मेरी कोशिश रहती भी है कि मैं अपना काम हमेशा यूनिक और अच्छा लेकर आऊँ आपके सामने, ऐसा काम ना लेकर आऊँ कि जो हर कोई कर रहा हो, मेरी जो चीज़ मैं खुद कहती हूँ नहीं अच्छा नहीं लगता है कि आप सेम चीज़ ही करते रहो। मैं कहती हूँ कि अब मैं कुछ न्यू करूँ, ये भी कर लिया तो चलो अब नई चीज़ करती हूँ, तो बस यही मकसद होता है। अच्छा मैं ना ये जो था ना टब में आधा टेक्सचर करने लगी थी, मैंने कहा ये चीज़ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, आप लोगों को मज़ा आता होगा ऐसे ही थोड़ी बड़ी बहुत जो भी थी। मैं मेरा माइक का बड़ी बड़ा हुआ है तो मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ये देखिए मैंने कहा आधा टेक्सचर जो है ना इस टब में डाल देती हूँ क्योंकि वो टब फिर हैवी हो जाएगा, उसके अंदर चंक्स नहीं कट पाएंगे। तो हाफ टब टेक्सचर मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरा टेक्सचर होता है ना, मैं दो तीन टब्स में कर देती हूँ ताकि मेरा टेक्सचर जो है ना वो अच्छे से सेट हो, वरना जितना टेक्सचर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसकी कटिंग भी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। आपने मुझे वीपी जे क्रिएशन कहा था कि स्टैक में क्रमलिंग करे, तो मुझे इतना नहीं पता था स्टैक क्रमलिंग क्या होती है, मैंने कि इतनी तो मैं क्या कहते हैं क्रमलिंग के स्टाइल्स मुझे नहीं पता है कि ये क्या टेक्सचर हुक स्टैक क्रमलिंग क्या होती है, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ, मैं सर्च करती हूँ क्या चीज़ होती है स्टैक क्रमलिंग, तो स्टैक में क्रमलिंग क्या जो मुझे नहीं सही सॉरी है मुझे इस चीज़ में इस बारे में इतना इलम नहीं है। तो मैंने ना फिर वो यूट्यूब पर सर्च किया तो मेरे सामने फिन है स्मार्ट की वीडियो आई, उन्होंने इस एक स्लैब्स पे स्लैब्स रखे जो मिनी स्लैब्स है, बड़े बड़ी स्लैब है, फिर उसमें फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी इस तरह स्लैब्स करके ना एक दूसरे पे रख के, तो मेरे हाथ से वो क्रम्बलिंग मैंने वीडियो नहीं देखी पूरी, बस मैंने थंबनेल से आइडिया लगा लिया था कि कुछ इस तरह से कोई सेटअप होता है क्रम्बलिंग का स्टैक की, तो या फिर टेक्सचर का एक ही साथ ज़्यादा सारी क्या कहते हैं क्वांटिटी रख के क्रम्बलिंग करते हैं, मुझे इतना नहीं आइडिया, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना ताकि मैं उस तरह से आप जो कह रही हूँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ आती होती है वो मैं बताती हूँ, जो नहीं आती है वो भी बताती हूँ, क्योंकि मुझे बनावटी बनना नहीं पसंद है ना, इतनी शोहियाँ मारना मुझे पसंद है कि जो चीज़ नहीं आती तो मेरे को हाँ मुझे आती है ये नहीं, जो आती है वो बताती हूँ, जो नहीं आती है वो आप लोगों को बताओ क्या चीज़ है किस तरह से करना चाहिए। तो बस यही मैंने आपसे कहना था कि आप मुझे बताना, तो आप भी थोड़ा गाइड कर देना, मुझे जितना पता चला है वो भी मुझे नॉलेज में आया कि अच्छा इस तरह से क्रमलिंग करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी आपके लिए रिक्वेस्ट इंशाल्लाह ताला पूरी। और ये जो स्लैब्स मैं कह आपने कहा था कि थिन स्लैब्स बना के डर्ट सी या किसी भी टेक्सचर की उसकी क्रमलिंग करें, ठीक है जो स्टैक क्रमलिंग आपकी, तो मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा टब नहीं है, ये दो टब भी हैं, एक मैंने न्यू वाला लिया और एक ये वाला पहले वाला, तो अगर जैसे मेरा टब फ्री होंगे ना मैं ज़्यादा सारे टेक्सचर को ना डिफरेंट टब्स में रख के ना उसकी थिन स्लैब्स बना के ना क्रमलिंग आपके साथ शेयर करूँगी हर टेक्सचर की। तो अभी फ़िलहाल जो है ना जो मेरे पास काम करने की चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं में मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि टेक्सचर्स ने ना मेरे टब्स सारे बुक किए हुए हैं, तो ठीक है क्योंकि आप लोग ये मैं चीज़ नोट कर लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या रिक्वेस्ट की है, जस्ट वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता, बनाने में टाइम लग जाता, लेकिन मैं याद रखी हूँ, ये ना समझे मैं भूल गई हूँ,
ठीक है। तो बस मैंने आप सबसे यही कहना था, और चले ये मैं पोर कर दूँ फिर। व्लॉग को तो मैंने पहले ही एंड कर दिया था, लेकिन ये लास्ट पार्ट मैं इसको बाद में एडिट कर डाल दूँगी, पहले फिर वो एंड वाला पार्ट कर दूँगी। सही है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आसानी होने वाली है मगरिब की, मैं अपने हाथ वगैरह वॉश करके टेक्सचर को सेट करके जगह रख दूँ। तो ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।